हेलो किसान भाइयों, मैं सिमरनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किसान अड्डा पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे खाद के फार्मूले के बारे में जिसका यदि आप अपने गन्ने में उपयोग करते हैं तो इससे आपके गन्ने का जो रंग है वो गहरे हरे रंग का हो जाएगा। इसके साथ साथ उसमें शानदार ब्याथ होगा। यदि आपके गन्ने की ग्रोथ एकदम से रुकी हुई है तो रुकी हुई ग्रोथ को भी जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है वो दोबारा स्टार्ट कर देगा। पीलापन भी जो है आपके जो गन्ने से जो है एकदम से किसान भाइयों समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आप ये गन्ना जो देख रहे होंगे, इस गन्ने में जो है हम लोगों ने इस फार्मूले को डाला हुआ है जिसका जो है बहुत ही बेहतरीन जो रिजल्ट है किसान भाइयों हम लोगों को देखने को मिला है। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को किसान भाइयों आप लोग जो है सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। किसान भाइयों, इस फार्मूले में जो है सबसे पहले तो आपको यूरिया लेनी है। यूरिया तकरीबन जो है आपको 25 से लेकर के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ से के हिसाब से ले लेनी है। और इस यूरिया में जो है आपको जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको यहाँ तत्व बताऊंगा वो है किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट। जी हाँ किसान भाइयों, जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है ये हमारा द्वितीय पोषक तत्व है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है गन्ने में निभाता है। इसके उपयोग से यानी कि जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है किसान भाइयों, इसके उपयोग से आपके गन्ने में जो है एकदम से हरियाली आती है। आपके गन्ने में जो है जब हरियाली आएगी तो उससे जो है आपके गन्ने को एनर्जी मिलेगी यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी जिससे जो है गन्ने में भोजन अच्छा बनेगा और आपके गन्ने में जो है फुटाव भी जो है बहुत ही अच्छे से किसान भाइयों आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैग्नीशियम जो सल्फेट होता है इसमें जो है किसान भाइयों दो तत्व होते हैं। एक तो आपका पहला मैग्नीशियम जिसकी मात्रा 9.5% इसके अंदर होती है और दूसरा जो पोषक तत्व होता है इसके अंदर वो होता है किसान सल्फर जिसकी मात्रा 12% होती है। यानी कि एक ही खाद के अंदर आपको दो खादें मिल जाती हैं। एक तो मिलता है मैग्नीशियम जो कि 9.5% है और दूसरी जो खाद है किसान भाइयों वो है इसमें सल्फर जो कि 12% है। इन खादों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा दिया गया है इसके अंदर और इसका जो रिजल्ट है गन्नों में बहुत ही अच्छा मिलता है। जो मैग्नीशियम होता है ये किसान भाइयों हमारे गन्ने में जो है वर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल का निर्माण करता है जिससे जो हमारे पौधे हैं वो अधिक हरे भरे हो जाते हैं जिससे वो अधिक मात्रा में भोजन बनाते हैं। जब पौधा हमारा भोजन ही अधिक मात्रा में बनाएगा तो वो किसान हमारे जो पौधे होंगे वो बहुत ही पहले से हष्ट पुष्ट होंगे और उसमें जो है कल्ले भी जो है अच्छे ढंग से जो है निकलना जो है स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो मैग्नीशियम होता है वो किसान भाइयों जो हमारा गन्ना होता है उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी इसके साथ साथ जो एंजाइम की क्रियाशीलता यानी कि पौधे के अंदर जो एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी के लिए भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि उत्प्रेरक का कार्य जो है मैग्नीशियम सल्फेट करता है जिससे जो है बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट आपको गन्ने में जो है मैग्नीशियम का किसान भाइयों देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो इसमें सल्फर दिया गया है, सल्फर का आप जानते हैं कि गन्ने में बहुत अच्छा जो है महत्व है। एक तो सल्फर जो होता है आपका फंगिसाइड का भी कार्य करता है, इसके साथ साथ गन्ने में जो है ग्रोथ के लिए जो है बहुत ही अच्छा जो है भूमिका निभाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है तकरीबन किसान भाइयों आपका यदि छोटा गन्ना है तो छोटे गन्ने में जो है आप 15 किलो डालें और यदि आपका पेड़ी गन्ना है या गन्ना बड़ा हो चुका है तो उसमें जो है आप तकरीबन 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है मैग्नीशियम सल्फेट लें। मैग्नीशियम सल्फेट किसान बहुत महंगा खाद नहीं है, ये आपको तकरीबन 27 से लेकर 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। उस हिसाब से ये आपका 550 के आसपास जो है खाद आपका खर्चा किसान में एक एकड़ का आता है। क्योंकि ये किसान में खाद जो है सब जगह मिलता नहीं, परंतु मैं आपको कुछ ऐसी दुकानें बताऊंगा जैसे कि किसान इफको के जो बाजार होते हैं, क्योंकि इफको जो है ये बनाती है खाद आपकी जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है ये इफको की खाद आती जो कि तकरीबन 27 से 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वहां से मिल जाती है, जो इफको के सेंटर होते हैं जहां से आप यूरिया लाते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनियां की जो खाद जो है मैग्नीशियम सल्फेट आती है, इसका जो रिजल्ट है किसान भाइयों बहुत ही दमदार है। अब इसका अगर आप रिजल्ट और भी अच्छा लेना चाहते हैं तो इसमें जो है आप 10 किलो जो है आप सागरिका भी मिलाकर डाल सकते हैं। यानी कि तकरीबन 3 खादें हो गई आपकी, एक तो हो गई यूरिया तकरीबन 25 से 30 किलो और इसके साथ साथ जो है आपको 15 से लेकर 20 किलोग्राम जो है आपको इसमें मैग्नीशियम सल्फेट और 10 किलो जो है आप इसमें सागरिका यदि मिलाकर डाल देंगे तो आपके गन्ने में जो है बहुत अच्छी रौनक लौटेगी। इसके उपयोग से आप गन्ने का जो कलर है किसान भाइयों वो देखने लायक होगा, बहुत ही अच्छा जो है गन्ने का इसके उपयोग से कलर आता है। जब गन्ने का कलर अच्छा होगा तो उसकी जो ग्रोथ है किसान भाइयों वो जो है बहुत ही अच्छी जो है आना आपके गन्ने से स्टार्ट होगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके साथ काम आएगी। यदि आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।